ଆଜି ଭେଜିଟେବୁଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବି। ଆକୁ ସତରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଣି ଏଠି ଭାତ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାତ ବନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବନେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଫ୍ରୋଜନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଅଳ୍ପ, ଫ୍ରୋଜନ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ନେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ନେଲି। ତ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଅନାସି ଫୁଲ ଦୁଇଟା ନେଲି। ମୋତେ ଗୋଲମରିଚ ନେଲି 8ରୁ 10ଟା। ମୁଁ 4ରୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଲି। ଦୁଇଟି ଡାଲଚିନି ନେଲି। ଦୁଇଟି ଅଳେଇଚ ନେଲି। ଏବେ ଆକୁ କଭର କରିନେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନେବି। ତାପରେ ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ 45 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବତରେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବତରେଇ ଦେଇଛି, ଆମର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ବତରେଇ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାତଟି ଖିଲା ଖିଲା ହେବ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଭାତ ଆମର ଭାତ 100ରୁ 80% ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଛାଣିନେବା। ଏଥିରେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁଁ ହଳଦି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଚାଉଳ ଭାତ ହୋଇଯିବ ୟେଲୋ ୟେଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 100ରୁ 70% ହୋଇଗଲାଣି, 78% କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭାତଟା ଆଉ ବେଶୀ ସଫ୍ଟ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଛଣା ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏରକମ ଭାତ ଯାକ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତକୁ ସବୁ ଛାଣିକି ଅଲଗା କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀରେ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ନେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି, ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଛି, ଗାଜର ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛତୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣିନେବି।
आपन चाहिए दुई थर छाइले गोटे थर जाइए छाइनि एम देखिए बेस फ्राए करें सेलो फ्राए ही करेंगे मैं बिरयानी बस दम देवाई गोटे रस नहीं बस दम कहीं कौन कौन सब सामग्री रखी चलते देखने देखु मुझे जो छतु नहीं फ्राए कर फ्राए कर छतु बेस पा पाए ना फ्राए से कहनी मत मेन जिनस बिरीयी मसला नहीं गरम मसला धनिया पाउडर लंका पाउडर हल्दी पाउडर नहीं अल्प टे अदा रसुण पेस्ट नहीं धनिया पुदीनार प्यूरी नहीं पिंजर पेस्ट नहीं टमाटो ठी दुईटी ग्राइंडिंग करनी आपन जानते दही मैं एड करेंगे मुझे फ्राए ओनियन नहीं धनिया पुदीना छोट छोट कर इतना तो जो बीन गाजर आलु फूलकोबी सब फ्राए कर तो ये चलत आम दम देवा एम देवाई कौन कौन कर प्रथम ऑयल ऑयल मुझ चार स्प्रेड कर नीपर आम ऑयल देखो गरम होगा मुझे अदा रसुण पेस्ट को एड कर नी पिज पेस्ट को एड कर नी धनिया पुदीना जो पेस्ट नहीं एड कर धनिया पुदीनार फ्लेवरटा भल आसे तो ये हल्दी पाउडर गरम मसला धनिया पाउडर लंका पाउडर ताक एड कर लगे लंका पाउडर कम अच्छे मुझे एड कर नी आप जी राग खाऊ से ने स्वाद अनुसार लुण देवी भेजिटेबल को देखिए देवे तो भात में पकई नहीं तीन मिनट जाए भल भाव कषि ने जो पर्यटन आमको गोटे बासना आसनी धनिया पुदीना अदा रसुण गोटे बासना आस ए छतु को एड कर कवर कर स्लो फ्लेम तीन रु चार मिनट जाए बसई ने तीन रु चार मिनट हो गला चलां कवर कर टमाटो जो प्यूरी बाटी थी एड कर अल्प टे बिरयानी मसला देखु बिरयानी मसला नहीं जो वेजिटेबल सेल फ्राए कर नहीं कर नी
जो छोट छोट काटी नहीं धनिया पुदीना ताको एड कर तीन मिनट जाए स्लो फ्लेम बसई नेबी। एबे तीन मिनट होगा देखते आमर से आम दम देवा दम देवा दम देवाई अल्प टे का ग्रेवी देखिए जो भात को नहीं एड कर फ्राए अनियन एड कर बिरयानी मसला टे भल भाव स्प्रेड कर कलर आस ड्राए बीट रु नौ आप कलर मध्य यूज करें मैं ड्राई बीट रूट देदेली मैं ग्रेवी मध्य टिके ऐड करी मैं आउ गोटे दम देवा मैं टिके आप टिके रखी नहीं थी। मैं आउ गोटे लेयर देदेली सब ग्रेवी को एड कर आउ जी आसा ताक एड कर आउ जो फ्राए अनियन एड कर बिरयानी मसला टे स्प्रेड कर नी टे पा करी टे एड कर नी आम एम टाइप भाई बीट रूट रुक आम गोटे भल दम देवा देखूँ पूरा प्रेस कभर कर प्रेस पूरा प्रेस करके ने चार कौट भी गैस जाऊन आमर जो बाष्पटा पल तो आम दम हेनी ना आप अटा गुला पारे मुझे आ कि भारी जिनस एड कर भारी जिनस एड कर तरकारी जो जेहेतु से एड कर गरम मध्यम हेमदस्ता थी भारी रखे पूरा प्रेस कर देवे दमटा जहाद्वारा आमर भल से हम बिरयानीटा बहुत बढ़िया हम खावा को बहुत टेस्ट लगे ताको स्लो फ्लेम रे 10 रु 15 मिनट जाए बसई नेबा देखा आम बिरयानी रेडी फाइनाली आमर 15 मिनट हो गला तो ये चलतु आम बिरयानी कवर काढ़ी नेबा देखु भल भाव दम भी कमती बांफ बाहर पूरा डेलीशियस लगुच आखिकी मध्य सुंदर देखा जाकु खाइबा को सतरे बहुत टेस्ट लगे यमी यमी लगे तो आपण मैंने निहाती प्रोसेस रे बनातु कमेंट मध्यम मत
निश्चित भाव में जनातु देखो आम भात पूरा झंझणिया ये तो किए क्या भी लगे आमर आपन चाहिए कलर मध्य एड करें जेहेतु मुझे घरे करूँ कलर एड कल चलते नेक्स्ट रेसीपी देखा कांकड़ा आलू मु छाणी तो देखु मुझे कांकड़ा आलू को काटि नहीं बड़ कांकड़ नहीं आलू को एमती पतला पतला कर धला राशि लंका पाउडर धनिया पाउडर अल्प टिके बेसन चावल चूना आ कॉर्नफ्लोर नहीं स्वाद अनुसार लुण हल्दी पाउडर आ चिकन मसला नहीं तो मुझे सब कुछ एड कर आपन चाहिए अदा रसुण पेस्ट मध्ये पारे मुझे भल भाव गोल जहाद्वारा आम कोटिंगटा भलसे लगिज अल्प टे पा स्प्रेड कर भल भाव गोल देखो देखु भल भाव गोल आम चार लगी मुझे तेल मध्य गरम होगा बस तेल मध्य गरम हो तो ये चलतु आप छाई ने साढ़े साढ़े मिनट कले आम चीजा पूरा गोटे गोटे हो गए किए क्या लगे आप कलर मध्य पकड़े जेहतु मुझे घर खाऊ तो मत कलर कि आवश्यकता ना कलर यूज करको भल भाव क्रिस्पी होगा पर्यटन मुझे मीडियम फ्लेम फ्राए करी एम देखो पूरा क्रिस्पी हो गला एक्स्ट्रा ऑयल को काढ़ी देते देखो पूरा क्रिस्पी करेंगे इनकी साउंड हो देखिए तो क्रिस्पी कले ही खाइबा को बहुत टेस्टी लगे फाइनाली आम कांकड़ा आलू चिप्स देखो रेडीगला खाइबा को सतरे बहुत टेस्टी लगे तो ये चलतु आम नेक्स्ट रेसीपी को जीवा तरकारी बनैबी मशरूम देखते मतलब सैज सैज कर काटिक भल भाव धोई सफा कर गोटे कड़ा नहीं सर अल्प टे तेल एड कर धनिया प्याज रसुण अदा टमाटो डालचीनी अनासपलो आउे लवंग अलैच सब को गोटे ग्राइंडिंग कर पूरा चिकन कर बाटी एड कर अल्प टे लंका पाउडर एड कर नी अल्प टे हल्दी पाउडर एड कर नी अनुसार लुण एड कर नी भल भाव तीन रु चार मिनट जाए भल भाव कसी ना जहाद्वारा आम मसलार जो पर्यटन बास्ना आसनी तेल सब उपर को आसनी से पर्यटन आम मसला रेडी आपको कभर कर स्लो फ्लेम तीन रु चार मिनट जाए बसईना तो देखते आम तेल उपर को आसी जा मसला रेडी मुझे जो छतु को धोई नहीं एड कर आपन चाहिए कौन करेंगे भाजिक नहीं पारे भाजिले बटन छतु तो बटन छतु को भाजिले पूरा मानने किसी देखा जाते पीसेस पीसेस कले ही भल देखा टे कषि ने कभर कर तीन रु चार मिनट जाए बस देखा छतु पा बाहर ना ना तो देखो मुझे ये पा दे नी सब छतु के सारा पा बाहर ए गोटे
बाउल पा एड करी मुझे गरम मसला एड करी एवरेस्ट रु भल भाव चार पांच मिनट जाए भल भाव फुटा पर्यंत आम बसई ना फाइनाली देखु आमर छतु तरकारी चार पाँच मिनट फुटिगला आडीगला आपको सतरे खावाक बहुत टेस्ट लगे तो आपड़ रुटी सहित हो बिरीयी सहित हो भात सहित हो खाईपर तो आपण को यही रेसीपीटी केमी लगे निहत भाव में कमेंट मध्यम जनइबे तो ये चलतु मु गैस को बंद करने भी दही बुंदी बनईबी देखु मुझे दही गोटे बड़ कप नहीं माको भल भाव एमती साजे फेंटी ने देखो भल भाव फेंटी एम क्रीमी टाइप रल भाव फेंटी ने बिना लुणवाला बुंदी नहीं चाहिए लुणवाला देखो मु गोटे कप दही को गोटे कप बुंदी नहीं भल भाव मिक्स कर अल्प टिके जीरा लंका पाउडर एड करी मुझे स्वाद अनुसार लुण एड करी गोटे पिंच चीनी एड करी देखो मुझे गोटे कंचा मरच को पूरा छोट छोट कर काटि नहीं ताको एड करी आपको भल भाव मिक्स करी ए चलो मुझे फुटण एड करी मुझे छोट पैन बसई से अल्प टिके तेल एड करी तेल आमर गरम हो गला मुझे शुखिला लंका चाट नहीं एड करी मुझे अल्प टिके सोरस पान मैं एड करी तो अल्प टिके भेसुआ पत्र एड करी तो ये आम फुटण रेडीगला अल्प टी पा एड करी जहाद्वारा आम फुटण थंडा हो पा एड करी भल भाव मिक्स कर नी देखो मु दही रे जो मैरिनेट कर मैं दही रे प्रथम पक तो आमर बुंदी पूरा सॉफ्ट हो तो आमर दही बुंदी रेडी देखो बुंदी आमर पूरा सॉफ्ट हो फाइनाली आमर दही बुंदी रेडी आपको सतरे खावाक बहुत टेस्ट लगे फाइनाली आमर लंच थाली रेडीगला तो ये चलतु लंच थाली कौन कौन बनैली ताकि सहित सेयर कर आज लंच थाली आमर रेडी देखु मुझे हैदराबादी दम बिरयानी बनई मुझे मशरूम तरकारी बनई मानने मटन परिका बासना हो गाँव गरम मसला एड करनी आप निश्चित एमती प्रोसेस निहाती भाव में बनातु मुझे दही बुंदी बनई दही बुंदी रेसीपी मैं छाड़ी नहीं देखु आ घर बनातु आ कमेंट मध्यम मत आप मतामत निहाती भाव में जनातु मुझे कांकड़ आलू चिप्स बन तो आम लंच थाली आज आपन केमी लगे निहाती भाव में कमेंट मध्यम मत जनइबे रोचे आज वीडियो टी एंड करा करुँ वीडियो टी आपण मानक बहुत भल लगे।